क्रांति जी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन कि जिस तरह से आपकी फिल्म एमएस धोनी ने क्रांति लाई है हमारी इंडस्ट्री में, उस तरह से क्या फील करते हैं आप, क्योंकि ये 200 करोड़ ऐसा हम कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड, हां वर्ल्ड वाइड 200 प्लस हो चुकी है अभी तक फिल्म जी। तो ये जो क्रांति आई है आपकी फिल्म को लेकर, आप क्योंकि आप उस फिल्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जी, तो क्या फील करते हैं आप? बहुत अच्छा लगता है, पर क्रांति बेसिकली ये ज़रूर है क्योंकि ये कहानी परिवार की कहानी है, दोस्तों की कहानी है, तो क्रांति शब्द मैं उस इमोशन के साथ जोड़ना चाहूँगा। बाकी तो यू ऑलवेज फील नाइस बिकमिंग अ पार्ट ऑफ 200 करोड़ फिल्म, और उसमें भी जब आपका किरदार इतना सराहा जाए, लोगों को पसंद आए, तो अच्छा ही लगता है एंड आई फील ब्लेस्ड। जी जी yeah. तो सबसे पहले जब आपको बताया गया कि इस तरह की एक फिल्म है और आपको करना है, क्या फीलिंग थी आपको, क्योंकि एमएस धोनी जो कि अभी भी खेल रहे हैं और एमएस धोनी के ऊपर बायोपिक ये फिल्म है, तो क्या कुछ फीलिंग थी आपको? देखिए, इस फिल्म के रियल हीरो तो वही हैं एमएसडी, क्योंकि उनसे बड़ा हीरो तो फिल्म में कोई हो नहीं सकता। उसके बाद फिर नीरज सर आते हैं, फिर बाकी सुशांत और सब लोगों ने मिलकर एक बहुत अच्छी पहल की। और दूसरी बात ये कि कहानी का जो मर्म है, कहीं ना कहीं घूम फिर के बात वहीं पर है भाई, आप अपने परिवार को, अपने दोस्तों को उतना ही, जितना आप कभी भी चाहे समय कितना भी बदले ना बदले, लेकिन वो आपके लिए हमेशा रहते हैं। और ये कहीं ना कहीं जब आप देखते हैं कि भाई फिल्म लोगों को अच्छी लग रही है, लोग सराहना कर रहे हैं फिल्म की, फिल्म पैसे बना रही है, तो सबके लिए बहुत अच्छा, इट्स अ विन-विन सिचुएशन जी। तो मतलब कुछ ऑडिशन भी देना पड़ा था आपको इस फिल्म के लिए? बिल्कुल, मेरे जो हमारे फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर हैं विक्की, तो उन्होंने मुझे एक रोल के लिए बुलाया था जो उन्होंने कहा एक दोस्त का रोल है। तो मैंने कहा दोस्त का रोल है, दोस्त क्या है, मतलब एक कैरेक्टर होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप एक बार ऐसे ही आइए और ऑडिशन देके आप चले जाइए। और विक्की को मैं जानता हूँ उनको, तो मैं गया ऑडिशन देके आ गया मैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है, बिकॉज आई वाज नॉट श्योर माई सेल्फ कि मैं दोस्त है कौन सा है कैसा है, और मुझे तो ये तो मालूम ही नहीं था कि संतोष लाल। तो मैंने ऑडिशन किसी और पार्ट के लिए किया था, कि वही किसी और दोस्त के लिए किया था, वो किसके लिए किया था मुझे आज तक नहीं पता है। बाद में जब दोबारा से मुझे बुलाया गया, तो नीरज सर के साथ जब रीडिंग हो रही थी, दैट डे आई गॉट टू नो दैट आई एम प्लेइंग संतोष लाल, हु टॉट हिम हाउ टू प्ले हेलीकॉप्टर शॉट। तो अब ये संतोष लाल जो है, क्योंकि एम एस धोनी का ये जो हेलीकॉप्टर शॉट था, ये सारी दुनिया को पता था, लेकिन किसने सिखाया ये बहुत कम लोगों को मालूम था, या तो सिर्फ क्रिकेट की दुनिया के लोगों को, फिल्म आने के बाद सारी दुनिया को मालूम पड़ेगा कि एम एस धोनी को ये हेलीकॉप्टर शॉट किसी संतोष लाल ने सिंघाड़ा खा के सिखाया था। हाँ, करेक्ट। तो अब क्योंकि ये संतोष लाल का ये जो कैरेक्टर है एज एन फ्रेंड हम कह सकते हैं कि बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, क्या इसके लिए क्या फील करते हैं आप? बहुत अच्छा लगता है इस ये जो हेलीकॉप्टर शॉट है, ये इसकी क्रेडिट भी संतोष लाल को दी जा रही है। बिल्कुल दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने, अब संतोष, आपने जैसे फिल्म देखी होगी आप सब दर्शकों ने, तो उसमें आपने देखा होगा कि संतोष लाल ने बेसिकली ये शॉट ईजाद किया था कि उनको किसी लड़की को इम्प्रेस करना था। तो अब उस चक्कर में कि भाई सीधा स्ट्रेट छक्का मारेंगे तो घर में जाएगा नहीं उसके, तो कुछ ऐसा करेंगे बॉल ऐसे उड़ती हुई जाए और घर में जाके सीधा लड़की की बालकनी में गिरे, तो लड़की वहाँ से देखे, आप यहाँ से देखें, इशारे तो फिल्म के अंदर भी है। और संतोष लाल रांची में जितने लोगों से मिले हम, जो उनके दोस्त हैं, संतोष लाल तो खैर अब इस दुनिया में नहीं है, तो इस कैरेक्टर की एक दुविधा भी ये है, एक डिलेमा आप आयरनी कह सकते हैं, कि बाकी जो उनके तीनों दोस्त हैं वो तीनों आज भी रियल हैं, तो तीनों रियल फ्रेंड्स ने जाके रियल फ्रेंड से पूछा कि भाई काम कैसा लगा हमारा। मेरा संतोष लाल ऐसा है कि मैं उनसे पूछ ही नहीं सकता कि भाई आपको मेरा काम कैसा लगा, क्योंकि फिर मुझे, मेरे लिए वो यात्रा बहुत लंबी है अभी, तो आई होप कि उनको अच्छा लगा हो। और लेकिन जो संतोष लाल के रियल दोस्त हैं रांची में, उनका मैसेज आया, फ़ोन आया, सबने ही कहा कि बहुत अच्छा किया, और संतोष लाल यारों का यार, ऐसे वो रांची में जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर को अगर आपने प्ले किया है और आपने अपने हिसाब से अपना बेस्ट दिया और लोगों को अच्छा लगा, तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, लेकिन आपने जो हमने देखा कमीशन लिया सिंघाड़ा का, हाँ, कि मतलब इस तरह से ऐसे नेचुरल लाइफ में कमीशन लेते हैं आप दोस्तों से, हाँ, इस तरह की कि हाँ हम आपको सिखाएंगे लेकिन कमीशन लेंगे, कमीशन लेते हैं, लेकिन अब सिंघाड़े की जगह, अब सिंघाड़े में जब से भाई, अब लोग मालूम चला कि सिंघाड़े में सिंघाड़ा सिंघाड़ा नहीं होता, बॉम्ब होता है, कि अंदर जाएगा तो फटेगा, आप यहाँ वहाँ से बढ़ जाएगा सब कुछ, लेकिन मैं सिंघाड़ा अभी भी खाता हूँ, और हाँ खाना ही चाहिए सिंघारा, भाई सिंघारा के बिना जीवन बड़ा अधूरा है, मैं तो ये मानता हूँ। बाकी कमीशन लेता हूँ, लेकिन अब कमीशन सिंघारे की जगह आ गया है, ड्राई फ्रूट्स, मुझे एक प्रोटीन शेक पिला दो, ऐसा कुछ आ गया है, तो सारी हेल्थ वाली चीज़ें हो गई हैं। बाकी अब सिंघारे से बात ऊपर जा चुकी है जी, सिंघारे से बात जाके वर्ल्ड वाइड 200 प्लस का हो चुका है, क्योंकि हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो कि बहुत ही अच्छा
किरदार किया और आपकी दोस्ती बहुत ही अच्छी थी। ओवरऑल इस फिल्म के साथ का कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जब से फिल्म लॉन्च हुई और फिल्म जब का जब से ट्रेलर आया बहुत ही अप्रिसिएट किया गया, तो सुशांत के साथ में और आपका और सभी जितने भी आपके सारे दोस्त हैं कैसा रहा? देखिए पूरी एक जो MSD फिल्म बनी वो एक टीम एफर्ट था, जैसे एक बंदे का कोई एफर्ट नहीं, टीम एफर्ट था। फ्रॉम धीरज सर टू आवर स्पॉट बॉय, हर आदमी वहाँ पे उतना ही ज़रूरी था। और सुशांत तो खैर एक बहुत ही सहज आदमी है, मैं इसके पहले सुशांत से कभी मिला नहीं था, लेकिन जब वहाँ मिले, बातचीत हुई और हम दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक बिहार कनेक्शन है क्योंकि वो वहीं से आते हैं और हम भी वहीं के हैं, तो अब वो होते होते फिर स्कूल की बातें, तुम कैसे वहाँ पे रहे, हम कैसे वहाँ पे रहे, तो सबसे खासकर एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, जो AD टीम होती है असिस्टेंट डायरेक्टर्स की, उनके साथ बड़ा मज़ा आया इस फिल्म में। मतलब दे वर देयर थ्रू आउट फॉर ऑल ऑफ अस, फ्रॉम नीरज सर टू एवरीवन। तो एक परिवार मिला और वो परिवार आज भी हम लोग यदा कदा मिलते हैं, जब भी जिसको फुर्सत मिलती है, और फिर वो पुराने दिन याद करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। जी जी जी। और वो जो मुझे डायलॉग बहुत ही अच्छा लगा कि ये डायलॉग ये शॉर्ट मुझे सिखाएगा, तो आपने बोला कि वो एक बार अगर क्या करना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल। या आपके लिए कितना टफ हुआ? आई डोंट थिंक आपके लिए ये डायलॉग टफ हुआ, एक्शन नहीं, एक्सेंट टफ इसलिए नहीं था क्योंकि कहीं ना कहीं अब मैं रांची में रह भी चुका हूँ, क्योंकि मैंने अपनी 6 महीने की स्कूलिंग वहाँ पे एक स्कूल है विकास विद्यालय रांची, वहाँ से की थी। तो वो एक टोनैलिटी आपको पकड़ में आती है, लेकिन अब टोनैलिटी के अलावा क्या है कि मूड, अब नीरज सर को क्या चाहिए, आपने क्या सोचा, वो सेम पेज पे है या नहीं है, तो कुल मिला के हाँ टोनैलिटी वाइज आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ईजी होगा, क्योंकि आप जानते हैं वो लैंग्वेज क्या है वहाँ पे, वो कैसी भाषा किस तरह से बोली जाती है। तो फिल्म के दौरान होता वही है कि वो MSD जो रील वाले हैं वो आते हैं और मुझसे कहते हैं कि हाँ आप मुझे क्यों दीजिए, तो मैं आप कैमरे के मुझे याद नहीं है जी, तो ये शॉट कैसे मारा, मतलब मुझे सिखाएगा? थप्पड़ शॉट कहते हैं इसको, मज़ा आया, सिखाएंगे, समोसा खिलाओगे, तो इस तरीके से समोसा सिंघारा मतलब। ओके क्रांति, क्योंकि आपसे जानना चाहिए जिस तरह से हमारे फिल्म इंडस्ट्री में देख रहे हैं कई सारे क्रिकेटर्स के कई सारे बायोपिक फिल्में बन रही है, चाहे वो अभी हमने देखा अजहर के ऊपर हो, मिल्खा जी के ऊपर हो, आप MSD के ऊपर हो, तो और बहुत ही अच्छा भी कर रही है सारी बायोपिक फिल्में, और ऐसा देखा जा रहा है इंडस्ट्री में कि बायोपिक फिल्में लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो हम आपको इन फ्यूचर में या आप कोई ऐसी इच्छा रखते हैं किसी फेमस या कोई भी नॉन पर्सनैलिटी के ऊपर आप ऐसी कोई बायोपिक करना चाहेंगे, कोई भी चाहे हमारे फिल्म इंडस्ट्री से हो या क्रिकेट की दुनिया से हो, पॉलिटिकल एक हाँ जरूर एक ख्वाहिश है, एक फ्रीडम फाइटर होते थे वीर कुंवर सिंह, आपने सुना है? नाम नहीं सुना? नाम सुना है, बिहार आरा छपरा से होते थे वो, और उनका एक हाथ नहीं था शायद, और वो अकेले ही उन्होंने कैसे अंग्रेज़ों को अपने हिसाब से, म्यूटनी तो हुई थी 1857 में, उसका भी वो एक हिस्सा थे। तो ये कहानी बहुत लोगों को पता है लेकिन नहीं भी पता है, और खासकर जो बिल्कुल खासकर जो आज की जनरेशन है वो शायद उनका नाम भूल चुकी होगी, पर मैं ज़रूर चाहता हूँ कि कभी कोई ऐसी कहानी बने या मेरे पास इतने सोर्सेज हों जहाँ पर मैं कुछ कर सकूँ, तो वीर कुंवर सिंह एक ऐसे किरदार है जिनके ऊपर बायोपिक बनेगी तो मैं ज़रूर उसका हिस्सा बनना चाहूँगा। जी जी जी। तो और इसके अलावा और हम देख रहे हैं कि आजकल के जो एक्टर हैं वो कई मतलब मल्टी टैलेंटेड माने जाते हैं, वो डायरेक्शन में भी हाथ आजमा रहे, प्रोड्यूसर भी बन रहे हैं, सिंगिंग का भी टैलेंट रखते हैं, आपको हम देखेंगे? सिंगिंग से तो मेरा दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है, मैं अपने लिए गाता हूँ, वो सबसे अच्छा है, नहीं तो वो थ्रेट हो जाएगा आम जनता पे। बाकी मैंने लोग पसंद करेंगे पता नहीं मैंने एक मैथिली फिल्म अभी मिथिला मखान की थी, तो उसके मैंने डायलॉग्स मैंने लिखे थे, मैंने और जो हमारे डायरेक्टर नितिन चंद्रा ने, हाँ उसको नेशनल अवार्ड मिला था, तो लिखने का शौक है। उसके अलावा मैं मधुबनी पेंटिंग्स करता हूँ यदा कदा जब भी वक्त मिलता है, और किताबें पढ़ता हूँ, और बाकी तो सीखते रहने का बहुत मन करता है, आप जो भी चीज़ सीखने को मिलेगी सीखते रहेंगे, आपके सामने आते रहेंगे, अपने आप को बांध के नहीं रखा है लेकिन। तो मतलब पेंटिंग का भी हम कभी देखेंगे आपको कोई एक हिस्सा फिल्म में या? मेरी मतलब जो मैथिली फिल्म है उसमें ज़रूर है, वो बिल्कुल मधुबनी पेंटिंग के ऊपर की कहानी, और मखाना एक खाने वाली चीज़ होती है तो उसके ऊपर की कहानी है जो मैथिली लैंग्वेज में है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी लगेगी लोगों को, क्योंकि क्रांति फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला जी। तो अब जिस तरह जब जब भी हम किसी भी फिल्म के पीछे मेहनत करते हैं, इस तरह से जब नेशनल अवार्ड नोबेल प्राइज या कुछ भी मिलता है, तब एज एन एक्टर या एज एन बीइंग ह्यूमन क्या फील करता है? ये वही वैसी बात होती है कि भाई आप बाप बने, कैसा लग रहा है आपको?
तो ऑब्वियसली बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अब फिल्म के पीछे भी सारी मेहनत होती है। वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक नवजात शिशु जब आता है तो जितने रिश्तेदार होते हैं, तो वैसे हमारी फिल्म हम लोगों के लिए एक बच्चे की तरह ही होती है, न्यू बॉर्न बेबी। तो अगर मैथिली फिल्म मिथिला मखान को जब नेशनल अवार्ड मिला तो बहुत गर्व की बात थी, खासकर बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि बिहार के लोगों को एक तरीके से टाइप कास्ट किया गया है कि यार ये यहाँ की पिक्चरें ऐसी बनती हैं कि जहाँ पे आप पोस्टर में देखेंगे खून निकल रहा है और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं नाम देना चाहूँगा पोस्टर के ऊपर क्या क्या होता है। तो उसको कहीं ना कहीं एक बदलने की इच्छा थी हम सब में जो जो उस फिल्म का हिस्सा रहे हैं, फ्रॉम द प्रोड्यूसर नीतू चंद्रा जी, जो खुद एक बहुत बेहतरीन अदाकारा हैं, प्लस जो डायरेक्टर हैं हमारे नितिन चंद्रा और जो दो और प्रोड्यूसर्स हैं। तो हम लोग चाहते थे कि कुछ ऐसा करें जो बिहार की सिनेमा के लिए, बिहार के कलाकारों के लिए क्रांति आए, थोड़ा सा तो गर्व आए, थोड़ा सा तो अच्छा लगे यार कि हमारे यहाँ ऐसी फिल्में बनती हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है पूरे बिहार और बिहारियों के लिए, जितने लोग उससे संबंध रखते हैं। बाकी फिल्म अभी तक रिलीज़ हुई नहीं है, तो एक दो महीने में प्लान करें रिलीज़ करने का, और जितने लोग वो कहते हैं कि लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, तो देखते हैं कारवां कहाँ तक जाता है। हाँ, एक तो ये मिथिला मखान है और टचवुड MSD के बाद एक दो बातें और चल रही हैं, पर अनाउंसमेंट अभी हुई नहीं है, तो जब तक चीज़ें हो नहीं जाती तब तक कहना बड़ा मुश्किल होता है। जी, थैंक यू। अच्छा, दिवाली भी है तो जी, दिवाली के मौके पर क्या कुछ प्लान होता है क्रांति का, और क्या कुछ स्पेसिफिक प्लान करते हैं? स्पेशल दिवाली में यही है कि हम घर जा रहे हैं, माँ के पास जा रहे हैं, और इसके पहले भी हम अभी कह रहे थे कि नहीं, क्योंकि ममता की गोद, ममता की छाँव से अच्छी दिवाली छठ, दिवाली छठ ये मन नहीं सकती, हो नहीं सकती। तो लोग जहाँ जहाँ कहीं भी हैं, प्लीज़ आप सब लोग अपने घर पे रहें। अगर आप बैचलर भी हैं तो मेक इट अ पॉइंट टू गेट बैक होम, बी विद योर पेरेंट्स, और हैव अ सेफ दिवाली, क्रैकर फ्री दिवाली, मिठाइयाँ खाइए, बांटिए, बाकी पटाखे वटाखे जितना कम छोड़े उतना पैसे की बचत है, और नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है तो वो भी कम हो जाएगा। सो आई विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। जी जी, क्योंकि जो आपने बहुत ही बड़ी बात कही कि ममता की गोद, जी, तो ऐसी कोई मेमोरी है माँ के साथ की, या अपने उस गांव की मिट्टी की दिवाली के साथ, या जो शेयर करना चाहें आप? अरे एक हो तब तो बताएं, मतलब बहुत सारी हैं। दिवाली वाले दिन जब बच्चे थे हम लोग, तो माँ को तो खैर अभी बच्चे ही लगते हैं, पर जब वाकई में बच्चे थे तो शुरू सुबह से ही तैयारियाँ शुरू हो जाती थी। तो हम लोग यहाँ डिबिया, पता नहीं आप समझते हैं नहीं, डिबिया होता है बेसिकली, एक शीशी होती है बॉटल, उसके अंदर धागा डाल के, तो पूरी तैयारियाँ होती थी, फिर दियो को पानी में रखा जाता था, तो फिर फूलों की सजावट। तो कुल मिला के हर त्यौहार जो होता है वो टुगेदरनेस के बारे में होता है, भले एक रिचुअल शुरू से चला आता है लेकिन एक टुगेदरनेस बनती है, और जब तक आप साथ रहेंगे नहीं तो वो टुगेदरनेस बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए दिवाली में बहुत सारी मेमोरीज हैं। हाँ, पर ये ज़रूर है कि अपने पिताजी को बड़ा मिस करते हैं, क्योंकि वो अब नहीं है, तो हाँ, तो कुल मिला के माँ के साथ ही दिवाली मनेगी और बड़े अच्छे से मनेगी। हाय, मैं हूँ क्रांति प्रकाश झा। नमस्कार, मैं हूँ क्रांति प्रकाश झा, और मैं आप सबको दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दिवाली जम के मनाएं बिल्कुल, और मिठाइयाँ ज़रूर खाएं, मिठाइयाँ बॉम्ब नहीं होती, नहीं फटेगी अंदर जाके, मिठाई के बिना दिवाली नहीं मनेगी। बाकी हैव अ सेफ दिवाली, क्रैकर फ्री दिवाली, नॉइज़ पॉल्यूशन जितना कम कर सके उतना अच्छा है, क्योंकि फिर अगले दिन बहुत धुआं भी रहता है, तो इसलिए जस्ट हैव फन, एंजॉय। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।